Hi guys, welcome back to my YouTube channel. I hope you are all doing great in your life. And जो लोग भी नए हैं चैनल में और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल. मैं इस चैनल में व्लॉग्स और इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ रिगार्डिंग फिटनेस पोस्ट करता हूँ, सो दैट आप लोग एजुकेटेड हो पाएँ और अपनी फिटनेस की जो जर्नी है वो अच्छी तरीके से शुरू कर पाएँ. सो वही मैं सोच रहा था कि मैं क्या ऐसा बनाऊं वीडियो जो कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो और जो बेसिक्स हो, बिकॉज़ अभी तक जो लोग भी फिटनेस में आते हैं उनको बेसिक्स क्लियर नहीं होते, जिनके वजह से जब वो लोग अपनी फैट लॉस जर्नी शुरू करते हैं तो उनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है. ओके, सो हर जगह पर बात हो रही है कैलोरिक डेफिसिट की, बट कोई शायद आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, या आप शायद एक्सप्लेन्ड मतलब आपको समझ नहीं आ रहा कि कैलोरिक डेफिसिट कैसे होता है और कैलोरीज को कैसे मैनेज करते हैं. ठीक है, तो मैं इस वीडियो में ट्राई करूँगा कि सब कुछ एकदम सिंपल वे में आपको समझा पाऊँ, और इसीलिए मैंने ये तामझाम पूरा बोर्ड अपने टेरेस पे लगाया, सो दैट मैं इजी से इजी वे में आपको ये सब समझा पाऊँ. बिकॉज़ जब तक आपको समझ में नहीं आएगा कैलोरीज को कैसे मैनेज करना है और कैलोरिक डेफिसिट में कैसे जाना है, तब तक आप अपना फैट लॉस जर्नी शुरू ही नहीं कर पाओगे. तो सबसे पहले जब हम लोग बात करते हैं कैलोरिक डेफिसिट की, या हम लोग बात करते हैं कि कितनी कैलोरीज हम लोग को खानी चाहिए पूरे दिन में, तो हम लोग को पहले समझना होगा कि कैलोरीज को क्या बोलते हैं एंड कैलोरीज क्या होती है. और थोड़ा बेसिक में जाऊंगा इस वीडियो में. मैं ये अज्यूम करूंगा कि बहुत सारे लोग जो वीडियो देख रहे हैं उनको बेसिक्स क्लियर ना हो, क्योंकि बहुत सारे लोग कैलोरीज सुन के ही फ्रीक आउट हो जाते हैं. उनको लगता है अरे कैलोरीज क्या है, मेरे को ये नापना पड़ेगा, वो नापना पड़ेगा. तो मैं एकदम बेसिक से शुरू करना चाहता हूँ. सबसे पहले कैलोरीज कुछ नहीं होता, कैलोरीज इज़ अ मेजरिंग यूनिट. जैसे अगर आप पानी मेजर करते हो लीटर में, या दूध मेजर करते हो लीटर में कि दो लीटर दूध है या पेट्रोल है, ऐसा कुछ, वैसे ही एवरी फूड दैट यू ईट इन द वर्ल्ड, कोई भी फूड हो, चाहे एप्पल हो, चाहे पिज़्ज़ा हो, कोई भी फूड हो दुनिया में जिससे आपको एनर्जी मिलती है, डेफिनेटली आप कोई ना कोई फूड सोर्सेस खाओगे तो आपको एनर्जी मिलेगी. तो आप जब आपको जो एनर्जी मिलती है किसी भी फूड सोर्स से, उस यूनिट को जब हम लोग मेजर करते हैं उसको हम लोग कैलोरीज बोलते हैं. जैसे कि एक एप्पल खा रहे हो, वो 60 ग्राम्स का है, उसमें आपको कितनी कैलोरीज मिलती हो सकता है 40 कैलोरी मिलती हो, तो वही कैलोरीज़ है. बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अरे एप्पल में भी कैलोरीज है क्या, दाल में भी कैलोरीज है क्या. आप दुनिया में जो भी खाना खाते हो सब में कैलोरीज होती है, कोई भी खाना ऐसा नहीं होता. या इवन ड्रिंक्स, अगर आप पेप्सी पीते हो या ऑरेंज जूस पीते हो, कुछ भी पीते हो, रिगार्डलेस ऑफ वो हेल्दी है या नहीं. बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये चीज़ होता है कि अरे अनहेल्दी चीज़ों में ही सिर्फ कैलोरीज होती है, ऐसा नहीं होता है. तब हम लोग बात करते हैं कि हम लोग को कितनी कैलोरीज पूरे दिन में खानी चाहिए. डेफिनेटली हर इंसान के लिए जो कैलोरिक रिक्वायरमेंट होगी वो डिफरेंट होगी, बिकॉज हर इंसान का बॉडी वेट अलग होगा, उनका बोन स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, उनकी एक्टिविटी लेवल डिफरेंट होगी. जैसे मेरे साथ अगर एक कोई और इंसान है, अगर वो पूरे दिन खेत में काम करता है या मतलब बहुत ही उसका लेबर इंटेंसिव जॉब है, तो वो ज़्यादा खाना डिमांड करेगा मेरे से, बिकॉज मेरी एक सेडेंटरी जॉब है. ठीक है, सो इसी तरीके से हम लोग को पता करना होगा कि किसकी कितनी कैलोरीज होती है. ठीक है, तो सबसे पहला तो जो तरीका है वो आप गूगल में जाके चेक कर सकते हो. आप गूगल में जाओगे और चेक करोगे कि कैलकुलेट मेंटेनेंस कैलोरी, यहाँ पे एक कैलकुलेटर आएगा जहाँ पे आपको अपनी एज, हाइट, बॉडी वेट डालनी है और आपको अपना मेंटेनेंस कैलोरी मिल जाएगा. अब समझते हैं कि मेंटेनेंस कैलोरी क्या होता है. ठीक है, मेंटेनेंस, ठीक है, मैं इतना लिख रहा हूँ आप समझ जाना कि मैंने मेंटेनेंस लिखा है. मेंटेनेंस कैलोरी बेसिकली ये कैलोरी होती है जो आपको खानी रहती है आपका करेंट बॉडी वेट को मेंटेन करने के लिए. लेट्स से कि मेरा बॉडी वेट है अभी 70 केजीज और मेरे को खानी है 2000 कैलोरीज, तो अगर मैं कॉन्स्टेंटली 2000 कैलोरीज खाते रहूँगा तो मेरा वेट जो है वो मेंटेन रहेगा 2000 में ही. अगर हम लोग फैट लॉस की बात करते हैं तो हम लोग को डेफिसिट कैलोरीज खानी पड़ती है. आपने हमेशा कहीं ना कहीं पे सुना होगा कि कैलोरिक डेफिसिट में वेट लॉस होता है. मेरे वीडियोज़ में भी मैंने बहुत बार बोला कैलोरिक डेफिसिट. नाउ अगर 2000 में आपका वेट मेंटेन रहता है तो आप डेफिनेटली जब 2000 से लेस खाओगे तो आपका वेट जो है वो लॉस होगा. अब कितना लेस, ये हो सकता है कि आप 300 कैलोरी लेस खाओ, 400 कैलोरी लेस खाओ. अब जितना ज़्यादा डेफिसिट बनाओगे उतना एग्रेसिव वे में आपका फैट लॉस होगा. जैसे कि अगर आपको 2000 खानी और आपने डायरेक्टली 1500 खाने लगे, या आप ऐसे ले लो कि आप डायरेक्टली 1000 खाने लगे, तो आपका बहुत जल्दी जल्दी वेट लॉस होने लगेगा, बट ये सस्टेनेबल नहीं रहेगा. सस्टेनेबल का मतलब कि शुरू शुरू में आप इतने कम खाने खा लोगे, बट उसके बाद जब आप अपना वेट लॉस कर लोगे तो आपका वेट वापस रिबाउंड कर जाएगा. रिबाउंड मतलब वापस गेन कर जाएगा. आप इसको ऐसे अज्यूम कर सकते हो कि आप किसी भी
इंसान से अगर इंडिया में मिलते हो या कहीं पे भी मिलते हो तो उनके पास एक स्टोरी रहती है बोलने के लिए कि अरे मैंने एक टाइम पे 5 kg वेट लॉस कर लिया था बट फिर वो वापस रीगेन हो गया या उससे ज़्यादा गेन हो गया, इस बिकॉज कि उस इंसान ने जब अपना वेट लॉस किया था ना उसने बहुत कम कम खाना खा के किया था, जो कि क्रैश डाइटिंग होता है, जो कि हम लोग को नहीं करनी चाहिए। तो जब भी आप अपना फैट लॉस करते हो आपको अपने मेंटेनेंस से थोड़ा सा ही कम खाना चाहिए। सो थोड़ा सा कम कितना हो सकता है, अगर 2000 है तो आप 1700 खाओ, 300 कैलोरीज का ही डेफिसिट रखो, ठीक है, आपका फैट लॉस थोड़ा स्लो होगा बट सही तरीके से होगा। और कभी भी आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं जल्दी से जल्दी अपना फैट लॉस कर लूँ, क्योंकि जितना जल्दी आप फैट लॉस करोगे उतना जल्दी आप गेन कर लोगे और फिर आपके जो आपने जितना भी एफर्ट्स लगाया इतने टाइम पे उसका कोई भी सेंस नहीं बनेगा। ओके, सो अब हम लोग का ये फंडा तो क्लियर हो गया है कि डेफिसिट कैलोरीज कैसे होती है। अब हम लोग को लेट्स से कि अगर हम लोग गूगल पे जाके निकाल रहे हैं या किसी भी एप्लीकेशन से जाके निकाल रहे हैं, लेट्स से गूगल में टाइप करते हैं तो कोई वेबसाइट आया जहाँ पे आपको पता चला कि आपकी मेंटेनेंस कैलोरी इतनी होती है। अब जब आप दूसरे वेबसाइट में जाओगे तो वहां पे आपको दूसरा डेटा पता चलेगा। हो सकता है एक वेबसाइट में आपको पता चला कि आपकी मेंटेनेंस कैलोरी 2000 है, दूसरे वेबसाइट में हो सकता है वो पता चले कि आपकी 2300 है। तो कभी भी आप एग्जैक्टली ये नहीं पता कर सकते कि आपकी कितनी है मेंटेनेंस कैलोरी, कोई भी तरीके से नहीं पता कर सकते। हर वेबसाइट आपको एक अप्रॉक्स आइडिया देगा जो कि ऊपर नीचे हो गई और आपको कभी भी एग्जैक्टली पता नहीं कर सकते, बिकॉज कोई भी फार्मूला है ही नहीं दुनिया में जिससे आप एग्जैक्टली पता कर सकते हैं। बट अगर आपको गूगल पे रिलाई नहीं करना और ख़ुद से थोड़ा सा जोड़ घटाओ करके इसको करना है तो मैं बताता हूँ कि आप कैसे कर सकते हो। लेट्स अज्यूम दैट मेरा बॉडी वेट है 70 kg, ठीक है। आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप है आपको कि 70 kg को आपको 2.2 से मल्टीप्लाई कर देना है तो आपका वेट जो है वो पाउंड्स में आ जाएगा। ये आता है 154, ठीक है। ये 70 kg को हम लोग ने पाउंड्स पे कर लिया, ये आ गया हम लोग का 154, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप जो है हम लोग का, ये स्टेप्स है, मैं एकदम स्लो करके जाऊंगा बिकॉज आई डोंट वांट कि जो लोग एकदम बिगनर्स देख रहे हैं उनके समझ में ना आए ये चीज़, तो आई गो रियली रियली स्लो। सो आपका 154 निकल गया। नाउ 154 को आपको कुछ वैल्यूज़ आएंगे यहाँ पे। सो आपके ये वैल्यूज़ हो सकते हैं 13, ठीक है। ये क्या वैल्यूज़ है, ये एक्टिविटी लेवल्स है। जैसे कि अगर आपका एक ऐसा जॉब है जहाँ पे आप बहुत कम एक्टिव हो रहे हो, मतलब उसको सेडेंटरी हम लोग बोल सकते हैं, 13 वाला जो है वो सेडेंटरी पार्ट है। सेडेंटरी मतलब आपका ऐसा जॉब है जहाँ पे आप 8-9 घंटे ऑफिस का काम करते हो और सिर्फ जिम जाते हो आ जाते हो और आपके स्टेप्स बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, 3000-4000 स्टेप्स होते हैं, तो आपको इसको 13 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है, 154 को 13 से। लेट्स अज्यूम 14 क्या है, 14 ऐसा है कि अगर आप जिम जाते हो 3-4 दिन और आपके स्टेप्स अराउंड 5000-6000 आते हैं और आप मतलब थोड़े से एक्टिव हो, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ जिम जाके आते हो, आप एक्टिव भी हो, थोड़ा सा घूमना फिरना हो जाता है, तो आप इसको 154 से इंटू 14 करोगे, सॉरी इसको हम लोग लाइटली एक्टिव रखेंगे, लाइटली एक्टिव, ठीक है, इसको हम लोग एक्टिव रखेंगे 15। जैसे कि अगर आप स्टेप्स भी कर रहे हो, जिम भी जा रहे हो और अगर आपके स्टेप्स होते हैं दिन में 8000-9000 स्टेप्स आराम से आप कर लेते हो तो ये कैटेगरी आप एक्टिव में रखोगे। आपको अपने हिसाब से चूज़ करना है, आपको चूज़ कर लेना है कि मेरी एक्टिविटी लेवल कितनी होगी। ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, थोड़ा सा ही फ़र्क पड़ेगा, बट आप कोई भी एक रेंज चूज़ कर लेना। बहुत लोगों के लिए ये 14 और 15 वाला काम आएगा, सो 14 या 15 आप कोई भी डिसाइड कर सकते हो। 16 प्रोबेबली उन लोगों का होगा जो लोग बहुत एक्टिव है, जिनका आराम से 10,000 स्टेप्स हो जाता है, जिम भी 5-6 दिन जाते हैं और पूरे दिन अच्छा खासा एक्टिव रहते हैं। तो अगर आप कोई भी इसमें से, मैं सेडेंट्री बहुत लोगों का नहीं मानूंगा बिकॉज बहुत सारे लोग प्रोबेबली एक्टिव और लाइटली एक्टिव रहते ही हैं, ठीक है। तो लेट्स से कि अगर आपने अपना 154 इनटू, मैं इसको लाइटली एक्टिव में ही रखता हूँ, 14 करता हूँ, तो ये आ गया हम लोग का 2156। ये आपकी हो गई मेंटेनेंस कैलोरी। नाउ हम लोग का मेंटेनेंस कैलोरी यहाँ पे निकल गया, बट अगर हम लोग बात करें फैट लॉस की तो हम लोग को इससे थोड़ा सा कम खाना पड़ेगा, राइट। तो हम लोग को देखना पड़ेगा कि हम लोग का डेफिसिट कितना होता है। एक बात और है कि ये मेंटेनेंस ज़रूरी नहीं है सबका होगा। बहुत लोगों को हो सकता है कि कुछ टाइम के बाद पता चले कि मेरा मेंटेनेंस ये नहीं है, हो सकता है आपका इन रियल
फैक्ट में मेंटेनेंस हो 2300, 2300, 2400 हो सकता है 2000 हो, तो आपको कभी भी एग्जैक्टली नहीं पता कर सकते और कभी भी एग्जैक्टली पता करने का कोई इक्वेशन है ही नहीं। तो आपको हमेशा एक रेंज में काम करना पड़ता है। आपको देखना पड़ता है पहले वीक में कि अगर आपने 2000 था आपका मेंटेनेंस और अगर आपने 1700 खाया तो आपका वेट लॉस हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो पहले में आपने ये देख लिया, उसके बाद हम लोग को डेफिसिट क्रिएट करना है। तो हम लोग कितना का डेफिसिट क्रिएट करेंगे, तो जैसे मैंने आपको बोला कि हम लोग को हमेशा एक मॉडरेट अमाउंट ऑफ डेफिसिट क्रिएट करना पड़ता है। तो 2156 है, मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स लोग के लिए 300 से 400 कैलोरीज ही कम करता हूँ। सो अगर मैं 300 ही कैलोरीज कम कर रहा हूँ तो आ गया आपका 5 और कितना हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो ये आ गया आपका डेफिसिट का नंबर, ठीक है। ये हो गया आपका कैलोरी डेफिसिट। अगर एक इंसान जो 70 केजी का है उसकी इतनी एक्टिविटी लेवल है और अगर उसमें इतना डेफिसिट मैंने लगाया तो वो इसका डेफिसिट कैलोरीज ये रहेगा, मतलब अगर पूरे दिन में वो 1856 कैलोरीज खा रहा है तो उसका वेट लॉस शुरू हो जाएगा। सो आई होप यहाँ तक बातें क्लियर हो गई हो। तो अगर आपको पता चल गया कि आपकी डेफिसिट की कैलोरीज है 1856, जो कि हमने अपना फॉर्मूला तरीके से निकाल लिया, अब आपको 1856 को एटलीस्ट 7 to 10 डेज तक लगातार खाना पड़ेगा, ठीक है। आप 1856 को लगातार खाओ 7 डेज में, और अगर आपका वेट 70 केजीज था, ठीक है, तो आपका वेट ड्रॉप होना चाहिए। तो लेट्स से अगर आपने पहले दिन खाया, दूसरे दिन आपने वेट चेक इन किया, और डेली अपना वेट एम्प्टी स्टमक में चेक करो डेली विदाउट हैविंग फूड एंड वाटर, बिकॉज अगर आप खाना खा के चेक करते हो शाम को तो आपके बॉडी में खाना रहता है, पानी रहता है, तो आपको एक एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं आएगा। तो द नेक्स्ट स्टेप वुड बी 7 दिन तक अपना वेट डेली बेसिस में मेजर करो। 70 केजीज है तो हो सकता है दूसरे दिन आपका 69.9 हो, तीसरे दिन हो सकता है 69.8 हो, चौथे दिन हो सकता है कि 70 हो, फिर हो सकता है 70.1 हो। बट अगर आप 10 दिन तक रोज़ कैलकुलेट करोगे अपना वेट और उसको ऐड करोगे तो हो सकता है आपके पास XXX कोई भी नंबर आए, फिर उसको आपको डिवाइड करना है 7 से, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि आपने एवरेज में, सॉरी अगर आपने 10 दिन का एवरेज लिया तो आपको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो भी आता है, लेट्स से 300 ग्राम आया, तो आपको पता चल जाएगा कि 10 दिन में मैंने जब डेफिसिट में खाया तो मेरा 300 ग्राम ऑफ वेट लॉस हुआ है, विच इज़ गुड। आपको अगर एक महीने में वेट लॉस करना है मॉडरेट और सस्टेनेबल वे में, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि 2 to 2.5 kg ऑफ वेट लॉस आप एक महीने में करो, बिकॉज आपको ज़्यादा खाना भी कम नहीं करना पड़ेगा और आपके लिए वो टॉर्चर नहीं रहेगा, तो आप आराम से धीरे धीरे कर सकते हो। एक चीज़ ये भी ध्यान रखना कि आपका वेट डेली बेसिस में सेम नहीं आएगा। अगर आप डेफिसिट में भी खा रहे हो तो आपका वेट किसी दिन ऊपर जाएगा, किसी दिन नीचे जाएगा, और जिस दिन आपका पेट साफ नहीं होगा, आप कॉन्स्टिपेटेड रहोगे तो आपका वेट ज़्यादा दिखेगा। तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट ऑल दीज थिंग्स, आपको बस अपना एवरेज देखना है। डेफिनेटली 10 के 10 दिन आप कॉन्स्टिपेटेड नहीं रहोगे, आप ब्लोटेड नहीं रहोगे, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि 10 दिन में अगर आपको यहाँ पे कुछ नहीं दिखता, मतलब अगर आपको दिखता है कि आपका 100 ग्राम का भी वेट लॉस नहीं हुआ है इन एवरेज, तो समझ जाओ कि आपकी जो भी ये कैलोरीज थी आपने जो कैलकुलेट की उसमें से आपको और कैलोरीज ड्रॉप करनी पड़ेगी। और जनरली ये नहीं होता, अगर आपने सही से डेफिसिट निकाल दिया जो तरीका मैंने बोला तो आप ड्रॉप करने लगोगे वेट, बट यू हैव टू बी पेशेंट। ऐसा नहीं कि आपको डेली बेसिस में देख के ये सोचना है कि आज वेट ड्रॉप नहीं हुआ, आज वेट ड्रॉप नहीं हुआ। वेट आपका रोज़ ड्रॉप नहीं होगा, आपका वेट सिर्फ एवरेज बेसिस में ड्रॉप होगा। सो दिस इज़ वॉट बेसिकली कैलोरिक डेफिसिट इज़ ऑल अबाउट। मेरे को पता है बहुत सारे लोगों जब ये वीडियो देखेंगे तो उनको क्लियर नहीं हो पाएगा, तो आप ये वीडियो को एक बार दूसरी तरीके से देखना, आपको समझ आ जाएगा क्या करना है। और कभी भी ये माइंडसेट के साथ मत चलना कि अरे खाना थोड़ा कम कर देते हैं, चावल थोड़ा कम कर देते हैं, चीनी छोड़ देते हैं, ये सब एक बेवकूफ़ वाला तरीका है सोचने का कि मैं फ़ैट लॉस करना चाहता हूँ। साइंटिफिक वे में देखो, और एक बार का ये इन्वेस्टमेंट है, या तो आप किसी अपने फिटनेस कोच को हायर कर सकते हो इंस्टाग्राम में, या मेरे को हायर कर सकते हो, थोड़ा सेल्फ प्रमोशन कर रहा हूँ, बट हाँ मतलब अगर आपको एक स्किल सीखनी है तो आप सही तरीके से सीखो, सो दैट आपको ऐसा ना लगे कि अरे
मेरे को फैट लॉस कर रहा हूँ तो मेरे को दाल खाना बंद कर दिया चावल, बिकॉज बहुत सारे कोचेज होते हैं जो लोग डायरेक्टली बोल देते हैं कि आप चावल मत खाओ रोटी मत खाओ, बट ऐसा कोई नहीं है। मैंने आज तक अपने क्लाइंट्स को ऐसा नहीं बोला कि आप दाल चावल रोटी सब्जी मत खाओ, आप सब खा सकते हो बट पोर्शन कंट्रोल करके खाओ और एक सिस्टमैटिक वे में खाओ, कैलोरीज डिज़ाइन करके, सो दैट आपका जो मनपसंद खाना है वो छूटे नहीं और आप सही तरीके से फैट लॉस कर पाओ। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई होप आपको वीडियो समझ में आया हो और क्लियर हुआ हो। नहीं समझ में आया हो तो फिर एक बार वापस से देखना एंड डोंट थिंक कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, ट्रीट दिस टाइम एज एन इन्वेस्टमेंट। अगर आप ये सारी बेसिक चीज़ जो होती है वो अगर सीख लोगे तो आपको फैट लॉस ऐसे ही हो जाएगा ईजीली वे में। और बाकी मैं और वीडियोज़ लाऊंगा जहाँ पर मैं और तरीके से बता पाऊँ कि आप कैसे अपना चीट डेज कर सकते हो जहाँ पर आप कैलोरी डेफिसिट में रह पाओ, और बाकी जो मैं हैक्स ट्राई करता हूँ अपने क्लाइंट्स पे और जब उन पे काम होता है, बाकी सारी बेसिक चीज़ें अबाउट फैट लॉस सारी चीज़ें मैं कवर करूँगा। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो डू हिट ऑन द लाइक बटन, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को और शेयर करना अपने एक फ्रेंड्स के साथ जहाँ पे उनको दिक्कत हो रही है कि कैसे कैलोरीज ट्रैक करें मैनेज करें, और मेरे को भी इनकरेजमेंट मिलेगी सो दैट मैं बाकी वीडियोज़ आपके लिए बना पाऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करना मेरे को यहाँ पे नीचे, या आप इंस्टाग्राम में मेरे को पूछ सकते हो जहाँ पे आई विल बी एबल टू हेल्प यू विद दैट। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।